नमस्कार साथियों, और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कलरों कक्षा 4 पाठ 21 सबसे उजला बहुत ही सुंदर सा और अकबर बीरबल के किस्से तो मशहूर हैं, उसी से संबंधित कुछ ऐसा ही ये पाठ को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन दिया गया आप उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन भी दबा दें। कहानी शुरू कर दें। सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार के आवश्यक कारण को पूर्ण करने के बाद अकबर ने दरबारियों से प्रश्न किया, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे उजला क्या है? दरबारी थोड़ी देर विचार करते रहे, फिर उनमें से एक ने कहा, जांपना, दुनिया में सबसे उजली वस्तु रुई है। एक अन्य दरबारी बोला, दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। फिर तो रुई और दूध दोनों में अधिक उजली वस्तु कौन सी है? इस पर जोरदार बहस होने लगी। ये देखकर बीरबल को हंसी आ गई। अकबर ने बीरबल को हंसता देखकर कहा, बीरबल तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो मानता हूं कि दुनिया में प्रकाश सबसे अधिक उजला है। अकबर ने कहा, वह कैसे? क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, अवश्य, जब समय आ जाएगा तो मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल बादशाह से मिलने महल में गए। बादशाह सिर पकड़कर बैठे हुए थे। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहाँपना? अकबर ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बीरबल ने कहा, कई बार अधिक प्रकाश में रहने के कारण ऐसा होता है। आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांध लें, सो जाइए, मैं इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूं। अकबर सिर पर कपड़ा बांधकर सो गए। अकबर के सो जाने पर बीरबल ने कमरे में दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया। रुई के ढेर के पास ही एक पतीले में दूध भरकर रख दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद बीरबल कमरे के बाहर जाकर बैठ गए। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया, इसलिए अकबर को अच्छी नींद आ गई। जब वह जागे तो सिर दर्द हल्का हो गया था। वे कमरे से बाहर निकलने के लिए खड़े हुए। अंधेरे में दरवाजा खोजते खोजते उनका पैर रुई के ढेर पर पड़ गया। वे वहां से कुछ हटकर जाने लगे तो दूध की पतीली से टकरा गए। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखकर अकबर चौंक गए। बाहर आकर अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब क्या तमाशा है बीरबल? कमरे में रुई और दूध की पतीली क्यों रखवाई है? बीरबल ने कहा, जहांपना, दरवाजा और खिड़कियां बंद करने से कमरे में अंधेरा हो गया था। आप अंधेरे में दरवाजा ठीक से देख सकें, इसलिए मैंने दो उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी थी। अकबर ने कहा, ये क्या बात हुई भला? कोई वस्तु चाहे जितनी भी उजली हो, पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक उसे कैसे देखा जा सकता? बीरबल ने कहा, जहांपना, एक महीने पहले आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने भी आपसे यही कहा था, तब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब आपको विश्वास हो गया ना कि दुनिया में सबसे अधिक उजला प्रकाश ही है? प्यारे बच्चों, हमें कोई वस्तु तब दिखाई पड़ती है जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता हो, प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है। ये बात आप अपने विज्ञान के अध्यापक से जरूर पूछें, वो आपको इसको बहुत अच्छे से ठीक से समझाएंगे। तो चलिए, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। दरबार, राजसभा, जहां अपना बादशाह के लिए संबोधन, विश्वास, भरोसा, दरबारी, सभा का सदस्य। अकबर ने दरबारियों से क्या प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे उजली वस्तु कौन सी? उजली वस्तु के बारे में दरबारियों ने अकबर को क्या क्या उत्तर दिया? किसी ने कहा दूध उजला है, किसी ने कहा रुई उजली है। दरबारी के उत्तर सुनकर बीरबल को हंसी क्यों आ गई? क्योंकि उनमें से कोई भी उत्तर उनको पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे दुनिया में सबसे उजली वस्तु प्रकाश होता। अकबर के सिर दर्द को कम करने के लिए बीरबल ने क्या उपाय सुझाया? उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद करके कमरे के अंदर सो जाएं, पट्टी बांध कर सर को बांध कर आप नींद आ जाएगी, आपका सर दर्द कम हो जाएगा। बीरबल ने अपनी बात कैसे सिद्ध की? उन्होंने कमरे में दूध का पतीला और रुई रखवा दी, लेकिन अकबर उससे टकरा गए, उनको वो नहीं दिखे। लेकिन जब दरवाजा खोला गया, जब उनके ऊपर प्रकाश पड़ा तभी वो दिखे, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उजला अगर है सबसे ज़्यादा तो प्रकाश। किसने कहा दुनिया की सबसे उजली वस्तु दूध है? दरबारियों ने। महाराज, मैं तो मानता हूँ दुनिया में प्रकाश सबसे अधिक उजला। बीरबल ने, कोई वस्तु चाहे कितनी उजली हो, पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता उसको कैसे देखा जा सकता? तब तक उसे कैसे देखा जा सकता? बीरबल, कमरे में अंधेरा हो गया था, आप अंधेरे में दरवाजा ठीक से देख सकें, ये बात अकबर ने कही थी। कमरे में अंधेरा हो गया, आप अंधेरे में दरवाजा ठीक से देख सकें, इसलिए मैंने दो उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी थी, बीरबल ने कहा था।
सोच विचार बताइए, अगर 2-3 दिनों तक सूरज ना दिखाई दे तो क्या क्या कठिनाई। आप अपने विचार लिखें और कमेंट में लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और अपने चलिए चलते चलते कुछ ग्रामर पोर्शन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिए शब्द विलोम शब्द, अविश्वास, विश्वास, भारी, हल्का, पैर, पैर का विलोम, हाथ, प्रकाश, अंधकार, रात होते ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता, अंधेरा फैल जाता, रात होते ही चारों ओर अंधेरा फैल जाता। सिर दर्द होने पर बीरबल ने सलाह दी कि सर पर कपड़ा बांधकर थोड़ी देर के लिए सो जाए। थोड़ी देर अब करने की बारी, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। आप भी कोई किस्सा सुनिए, हम अपने चैनल के माध्यम से सुनाते रहते हैं। आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए कपाट के साथ, नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।